नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा ये चुनाव भाग्यनगर वर्सेस हैदराबाद का है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी और AIMIM के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। सीएम योगी के हैदराबाद दौरे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। योगी के हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी का लक्ष्य हैदराबाद का नाम बदलना ही है, यह चुनाव भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर के ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा है कि वो हमें सांप्रदायिक कहते हैं, तो ये बताइए हमने हिंदुओं को टिकट दिया है। अब बीजेपी बताए कि बीजेपी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी का लक्ष्य केवल हैदराबाद का नाम बदलना है, ये भाग्यनगर बनाम हैदराबाद का चुनाव है। मैं संविधान की शपथ लेता हूं और ये लोग मुझे जिन्ना कहते हैं। ये यहां पर ओवैसी ने सीएम योगी पर साधा है निशाना और पूरी ही बीजेपी को लिया है निशाने पर और कहा है कि ये चुनाव भाग्यनगर बनाम हैदराबाद का चुनाव है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। दिल्ली आ रहे 2 लाख और किसान कृषि बिलों का विरोध कर रहे 31 सबसे बड़े कृषि संगठनों का काफिला कूच। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध कर रहे पंजाब के 31 सबसे बड़े कृषि संगठनों के लोग गाड़ियों से दिल्ली की ओर निकले हैं। गाड़ियों का यह काफिला 40 किलोमीटर लंबा है। खाने पीने की चीजों से भरे सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रेलर बस कार और मोटरसाइकिलों में ये किसान भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रहण के हैं और वे जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच जाएंगे। वे पहले से नियोजित किए गए विरोध के लिए दिल्ली के टिकरी और सिंधु सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में शामिल होंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पुलिस के अनुमान के मुताबिक युवाओं और महिलाओं समेत सभी प्रदर्शनकारियों की संख्या 1.5 से 2 लाख के बीच हो सकती है। और आप लोगों को बताते चलें, गाड़ियों का यह काफिला 40 किलोमीटर लंबा है। यहां पर देख सकते हैं कि किसान दिन पर दिन बड़ी संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार लगातार बैक फुट पर ही नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार, चिराग पासवान ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा है निशाना, कहा तैयार रहे 2025 से पहले भी हो सकते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक पत्र लिखकर के आशंका जताई है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की निश्चित समय के पहले भी हो सकते हैं। उन्होंने पत्र में बीजेपी का नाम लिए बिना ही कहा है कि बिना किसी गठबंधन और स्टार प्रचारकों के एक सीट पर जीत हासिल की है तथा 24 लाख वोट प्राप्त किए हैं। पत्र में आगे लिखा गया है कि पार्टी को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत अकेले प्राप्त हुए हैं, जो LJP के विस्तार को साफ दिखाता है। पत्र में कहा गया है कि बिहार में पार्टी ने बिहारी फर्स्ट के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार में कभी भी हो सकता है विधानसभा का चुनाव। चिराग पासवान ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। राहुल गांधी बोले, मोदी सरकार फर्जी FIR से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती है। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच करते हुए भारतीय किसान संघ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर के मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। राहुल गांधी ने सरकार की ओर से किसानों पर की गई FIR को लेकर के ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी सरकार पुलिस की फर्जी FIR से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती है। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों के साथ हुई बर्बरता की फोटो शेयर कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। दरअसल आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं कर्तव्य है। मोदी सरकार पुलिस की फर्जी FIR से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती है। कृषि विरोधी काले कानूनों के खत्म होने तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हमारे लिए जय किसान था, है और रहेगा। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में 10,000 किसानों के खिलाफ की गई FIR की खबर की कटिंग भी यहां पर साझा की है और मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों।
बिहार आसान नहीं होगा सुशील मोदी का राज्यसभा पहुंचना, आरजेडी के उम्मीदवार उतारने की खबर से मची है हलचल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की रणनीति भले ही असफल हो गई हो, लेकिन आरजेडी किसी भी हाल में सियासत के खेल में सत्ता पक्ष को खुला मैदान देना बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसलिए अब आरजेडी राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए भी अलग रणनीति बनाने में जुटी है। चर्चा है कि आरजेडी राज्यसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बंपर मतदान, पहले चरण में 51% से ज्यादा वोटिंग हुई है। आप लोगों को बताते चलें, जम्मू कश्मीर में शनिवार को जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण में बंपर वोटिंग देखने को मिली है, 51.76% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। सबसे ज्यादा वोटिंग जम्मू क्षेत्र में हुई है, यहां पर 74.62% मतदान हुआ है। तो वहीं सबसे कम दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में हुई है, यहां पर 6.70% वोटिंग हुई है। आप लोगों को बताते चलें, 28 नवंबर से शुरू हुई यह चुनाव की प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, योगी के मंत्री ने किसानों को बताया गुंडा, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले यही भाजपा की हकीकत है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की इजाजत मिली है, लेकिन किसान सरकार के इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए सिंधु बॉर्डर पर ही लगातार डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसान बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड जाने से इनकार कर रहे हैं, जहां पर किसानों ने पीएम मोदी का पुतला भी जलाया है। इस बीच योगी सरकार के मंत्री अनिल शर्मा ने किसानों को लेकर के बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शनकारियों को गुंडा करार दिया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश से भी किसान संगठन ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया है। उन्होंने दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे जाम किया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर योगी सरकार के मंत्री की वीडियो काफी वायरल हो चुकी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे को जाम राज्य के आम किसानों ने नहीं किया, यह सिर्फ कुछ गुंडे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसानों को गुंडा कह रही है, यही है इस पार्टी की असलियत। जय जवान जय किसान के देश में किसानों का ये अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले लव जिहाद कानून का विधानसभा में विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के लव जिहाद कानून का विधानसभा में विरोध करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा ऐसे किसी भी कानून के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करेगी। सरकार एक तरफ अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह का कानून बना रही है योगी सरकार, तो यह दोहरा बर्ताव क्यों है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने किसान और कोरोना के मुद्दे पर भी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों पर इतना अन्याय कभी भी नहीं हुआ जितना कि भाजपा सरकार में हो रहा है। अपनी जायज मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस छोड़ना, बौछार करना और लाठियां बरसाना कहां की सभ्यता है, यह सरकार का आतंकी हमला है। उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी व अन्य प्रदेशों के किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने पूछा है कि भाजपा की केंद्र सरकार बताए कि किसानों की आय दुगुनी करने का कानून कब लाएगी। यह यहां पर अखिलेश यादव ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा प्रचार के बजाय आवंटन की रणनीति बनाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने वैक्सीन यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें हर बार प्रचार करने के बजाय इस बात के लिए बैठ के बुलानी चाहिए और रणनीति बनानी चाहिए कि कोरोना वैक्सीन आखिर कैसे आवंटित की जाए।
कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री को रणनीतिक बैठकें करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि वैक्सीन बनने पर कैसे आवंटित की जाएगी, यह कैसे काम करेगा और वह पहले किसे मिलेगी। उन्हें हर समय अपना प्रचार करने के बजाय ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी का स्पीच। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, कहा चुनाव में धोखाधड़ी कह देने से चुनाव गलत नहीं हो जाते हैं। आप लोगों को बताते चलिए, ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम ने दावा किया था कि 3 नवंबर को हुए चुनाव में धांधली हुई थी, जिस पर 3 अपील कोर्ट जजों ने कहा है कि ट्रंप की टीम ने चुनाव में धोखाधड़ी के कोई सबूत नहीं दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में धोखाधड़ी गंभीर बात है, लेकिन किसी चुनाव को सिर्फ गलत कह देना ही इसे गलत नहीं बना देता है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।